हेलो दोस्तों, मैं हूं एमजे बलोच और वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन एमजे बलोच व्लॉग। दोस्तों, ईद का सेकंड डे था और हमने एक ट्रिप बनाई। ट्रिप ऐसी थी कि हम कराची जाएंगे, बीच पे जो भी पॉइंट्स आएगी वहाँ रुकेंगे। तो तीन पॉइंट्स इस व्लॉग में हमने रिकॉर्ड किए। एक थी खुदाबाद की जो मस्जिद है मास्क है, वो उसका सीन है कि उसके जो रास्ते हैं, तय खाने के रास्ते हैं, वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। आगे जो लोकल बंदे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या माजरा है। उन्होंने बताया कि सर 300-400 साल हो गए हैं, ऐसी कोई बात हमने नहीं देखी आज तक। पुराने में भी बातें हों, रूमर्स हों, इस चीज़ का हमें पता नहीं। तो कुछ दोस्त बता रहे थे कि ऐसा था, बता रहे थे या छुपा रहे थे, ये हमें भी समझ में नहीं आया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट थी वो थी सेवन में हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, ज़ियारत वगैरह की दोस्तों। हमारे थर्ड और लास्ट डेस्टिनेशन थी वो थी कराची हमने स्टे किया, रात वहाँ ठहरे और सी व्यू, रात में हम सी व्यू गए। आपके लिए कंटेंट निकलने रात में सी व्यू गए, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, ठंडी हवाएं दी और व्लॉग को देखिए आप इंजॉय करें। बहुत ही गर्मी है दोस्तों, दोस्त हमारे अभी तक नहीं आए, मुझे आप सपोर्ट नहीं करते, आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी गर्मी में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपके लिए कंटेंट निकालने में पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। इंशाल्लाह सेवन जाएंगे, भिक्षा हुआ तो भिक्षा भी इंशाल्लाह जाएंगे और दूसरे भी पॉइंट्स हैं वहाँ 9 दिन की ट्रिप पर। देखो ये कौन आए हैं हमारे व्यूअर्स हैं, ये राजा है, ये काजी साहब है। काजी साहब है ना, कैसा फील कर रहे इस गर्मी में? बहुत गर्मी है। व्लॉग देखते हैं मेरे? माशाल्लाह अल्लाह आप खुश रखे। ये आकिब भाई हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारे चैनल पे आए हैं। आकिब भाई, हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा, गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह, अभी ये नहीं पता चल रहा पसीना निकल कहाँ गया, सारे भीगे पड़े। और दूसरे हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके थोड़े से हमारे ऊपर करम है, जिन्होंने इतना हमें वेट कराया है। वेट कराया, अभी इन पर सर क्या ट्रीट लगती है आप बताओ? ट्रीट नहीं, और डंड लगेगा, डंड डंड। अभी आप बबलू आ गया, बबलू। हाँ सर जी, बबलू भी आ गया सर। गालिब भाई हमारे नए दोस्त हैं, ये हैं पुराने दोस्त, यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे चैनल पे। सजाद भाई उसके कज़न हैं, ये अब्दुल मालिक शेख, ये भी फ्रेंड है उर्फ कैंपर। दोस्त ले रहे हैं, ये मेयर सिटी है, यहाँ का मावा मशहूर है, मावा स्वीट्स के हिसाब से ये मेयर बहुत ही फेमस है पूरी सिंध में। भाई किधर बैठे हुए हो? सर हम लोग बैठे हुए अभी जो ही चाय के साथ, थोड़ा पीछे पीछे जाए, बिल्कुल एक नंबर होती है। जो भी बंदा है इधर जाए पिए, अपना दिमाग रिलैक्स करें, पुरसकून होकर फिर सफर पे जाए। थैंक यू सर, खुदा अच्छा। चाय अच्छी नहीं, पैसे आप देंगे? पैसे आपको ही देने, आपके ऊपर डंडे, दूसरा आजी के ऊपर है। हाँ जी, मतोरी चाय डंडा। उर्दू में, उर्दू में सिंधी अभी हो गई बात करें सर, उर्दू में बात करें, उर्दू सिंधी मिक्स में पठान की नदी है ना, पठान की गाना है। तो व्यूअर्स हम खुदाबाद की पुरसराज मस्जिद में खड़े हुए हैं। पहले तय खाने का एक रास्ता था जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता, ऐसे मैंने सुना है। तो अभी वो जगह तो बंद है पर बाहर से मस्जिद आप घूम सकते हैं। मस्जिद का मंजर है आप देखिए, यही मस्जिद है, दोस्त हमारे घूम रहे हैं। सर इस मस्जिद का क्या सीन है? मस्जिद बहुत खूबसूरत है, मैंने सुना है जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। नहीं, वापस तो आ जाता है, लेकिन जो रास्ता है वो अलग वाला, तय खाने वाला रास्ता, जुमे नमाज के लिए वो पढ़ेंगे। हम प्यार में इसे डांबर बोलते हैं, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी जो आप बोलो वो आपके दिल में, लेकिन अभी नमाज का टाइम हुआ है, मोबाइल को 5 मिनट के लिए रख दो। हम नमाज तो पढ़ेंगे ना, ये कौन सी बात है, हम मुसलमान है, आप मुसलमान हो, इसलिए कह रहा हूँ 5 मिनट मोबाइल को छोड़ो, फिर आगे फिर रिकॉर्डिंग ठीक है करते हैं। क्यों वजू करते हैं, नमाज पढ़ेंगे, वजू करो, कुछ भी करो, चलो अभी आगे। चप्पल पे आपको खड़ा करके जाएंगे,
क्या हुआ सर? क्या होना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत गर्मी। अच्छा गर्मी। ये मस्जिद आपको डिटेल में दिखाते हैं, बनी हुई है, पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मस्जिद बनी, कदीमी मस्जिद है। इसकी जो हिस्ट्री यही है कि जो भी उस रास्ते से अंदर जाता था ना वो वापस नहीं लौटता था, इसलिए फेमस है ये मस्जिद। अभी तो नमाज वगैरह हो रही है, आम जो नमाज होती है वो हो रही है, अभी तो जुमा नमाज अभी वैसे वो पांच नमाज ही तो होती है ना, अजान वगैरह। अच्छा आर्ट बना हुआ है यहाँ पे, लोग नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, ये आपके भाई हैं। अभी आके छुपा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि मतलब 450 साल पुराना है, अभी कहाँ है तहखाने वगैरह, ये मतलब छुपा रहे हैं। सही सही, आपको भी नहीं बताया? होगी सर कोई ना कोई वजह मतलब छुपाने की भी। आर्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे घूम रहे हैं, हम ज़ियारत करेंगे फिर कराची के लिए निकलेंगे, इंशाल्लाह भी सफर है। कहाँ से आ गया है ये हमारा एमजे ब्लॉग व्लॉगर, बहुत ही पुराना व्लॉगर, इनको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये नाम लिखा हुआ है हजरत सैयद उस्मान मरवंदी कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह, पूरे नील। ये अचानक ब्लॉगर आ गए हमारे, आज ईद का दूसरा दिन है यहाँ पे सेवन में कड़ी पे आए हुए हैं, जो अकीदत मंदिर यहाँ पे आते हैं और ज़ियारत वगैरह करते हैं। सैयद अली सरमस्त की जो कि वज़ीर हैं कलंदर लाल शहबाज, मेन गेट ये है जहाँ से अगली बार हम आए थे, नाम भी आपको पढ़वाया था, नील भी दिखाई दी पूरी, कबूतर वगैरह भी, सूरज सच है बिल्कुल ही, और टॉप क्लास की गर्मी है, गर्मी हद से ज़्यादा है, टॉप क्लास की गर्मी है और सूरज सर पे ही है। भाई का इंट्रोडक्शन करना हमें भूल गया, भाई सलीम मसीह साहब बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हैं, ये अरसलान चन्ना हर व्लॉग में होता है, ये भी नया है, गालिब शेख साहब, अदल शेख साहब, अदल शेख, अब्दुल मालिक, सजाद शेख पीछे बैठे हुए हैं, बस आमरी पुल पे खाना खाएंगे। वाह सही वाह, आमरी पुल कहाँ पे, कौन सी सिटी में सर? ये आमरी पुल है ना, कौन सी सिटी में? पाकिस्तान सिटी पूछ रहा हूँ सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आमरी खुद सिटी है ना यार, आमरी सिटी है। हाँ। किसके नजदीक है ये? सेवन सिटी बताएगा, सेवन के नहीं, सेवन दूर है सर, काफी यहाँ जाम शोर और सेवन के बीच में है। आओ
बस आमिर में खाना खा रहे हैं, ये भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बागा टाउन कराची। सीव्यू का सीव्यू पे आए हुए संगत के साथ। सर ये ऊपर देखो ये क्या चल रहा है, ये क्या ऊपर उड़ रहा है? हाँ ऊपर उड़ के आरजीबी लाइट्स होने चाहिए। अच्छा उड़ रही है यार, क्या पतंग है क्या? पता नहीं सर, पतंग लग रही मुझे। अच्छा आपको पतंग लग रही है? अच्छा मुझे सर कुछ और लग रहा है, बहुत आवाज चल रही है इसमें। हवाएं वगैरह है, सिप्पियां नहीं, वो देखो पता इसमें वो हीरे ना हो। हीरे नहीं है इसमें, खाली है। छोलियां स्टार्ट है, हवा भी बहुत ही ज्यादा है, छोलियां स्टार्ट है। यहाँ से बहुत ही आ रहे हैं सारे दोस्त। सर नहीं आगे पैर धो के आए ना, ठंडा पानी है, पानी है, पानी की छोली आ रही है। देखें कितना दम है इसमें। अभी बस वापस चले ना, छोली देख ली वापस चले। वापस चले इसलिए कह रहा हूँ, चप्पल को पीछे उतार गया हुआ मेरे को, थोड़ा आगे चलते हो बस। ये छोलियाँ और भी आ रही है, इसमें पास कितना है, चलो खाना भाई। हाँ उससे बड़ी छोली आ रही है, सभी गीले हो गए अभी। ये छोली और भी आ रही है, हवा बहुत ज्यादा है इस चीज़ से डर लग रहा है हमें, हवा ज्यादा है।